आजाद हिंद फौज के नायक स्वर्गीय कर्नल ढिल्लन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न। भारत की आजादी के परमवीर योद्धा और आजाद हिंद फौज के महानायक पद्म भूषण कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर्नल जीएस ढिल्लन समाधि स्थल आजाद हिंद पार्क हाटोड में किया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्वर्गीय ढिल्लन की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। सीआरपीएफ सीआईटी आईजी गिरीश कुमार ने स्वर्गीय कर्नल ढिल्लन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी कार्यशैली से ढिल्लों ने अपने सीनियर्स को प्रभावित किया करते थे, इसी के परिणाम स्वरूप वो द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गए। जंग में उन्होंने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके परिणाम स्वरूप वो जापान के द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। बाद में 1942 में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का संगठन हुआ तो ढिल्लों कर्नल प्रेम सहगल मेजर जनरल शाह नवाज खान समेत अन्य योद्धाओं के साथ इसके अभिन्न अंग बन गए और अंग्रेजों को खूब छकाया। ये ध्यान रखें कि भोजन प्रसादी के बगैर कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, ये हमारा विनम्र अनुरोध है आपको।